पिछले 9 वर्षों में हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोक केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य में अभूतपूर्व विकास हुआ है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया है जो आज तेजी से वास्तविकता का रूप ले रही है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर बल दे रहे हैं। संत तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्ति एवं शक्ति का प्रतीक और वर्तमान का सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा करीब 1,989 करोड़ रुपए की लागत से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सदा अग्रसर रहा है। इसी कड़ी में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बना महाराष्ट्र का पहला सबसे बड़ा 14 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इससे उत्पन्न बिजली PCMC के STP और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल होगी। प्रतिवर्ष 7 लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इससे कचरे के डंपिंग के लिए भूमि की उपलब्धता पर निर्भरता कम होगी। प्रभावी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ प्रदूषण में कमी आएगी। बॉयलर में शुद्ध पानी की जगह सीवेज का ट्रीटेड पानी इस्तेमाल होगा। कम लागत पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ विश्वास है कि हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार है। इसी के लिए 2015 में EWS लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पुणे महानगर पालिका के वडगांव में 1108, खराड़ी में 786, हड़पसर में 764 और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के बोरहाड़ेवाड़ी गाँव में 1,288 घरों का लोकार्पण। इसके साथ ही पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के डुडूर गांव में 1,190 घरों, PMRDA के मोशी सेक्टर 12 में हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत 6,452 घरों और 83 दुकानों का आज शिलान्यास किया जा रहा है। यह गृह निर्माण सभी सुविधाओं से लैस होंगे, जैसे बाउंड्री वॉल्स, आंतरिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, पावर ट्रांसफार्मर, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्लब हाउस, ओपन स्पेस एवं दुकानें। देश के अमृत काल में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर आर्थिक विकास और प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।